Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 पेज खोलें. यूनिट नंबर 3 है और सबक नंबर भी 3 है. सबक का नाम है ओलंपिक्स. ओलंपिक्स खेलों का मुकाबला है. इसको बहुत कदीम तरीन तस्वुर किया जाता है और ये खेल नहीं है बल्कि ये माशरती और सकाफती नुमाइंदगी होते हैं. इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं. और हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ ये मुनक्किद किया जाए क्योंकि इससे तजारती फ़ायदे भी होते हैं. और ये जो अब है वो 20 दिन तक जारी रहा. वैसे ये 1 दिन 3 दिन और 5 दिन तक होते थे लेकिन अभी जो आखिरी दफ़ा ओलंपिक्स हुई थी वो 20 दिन तक जारी रही थी. ओलंपिक्स का शुमार कदीम तरीन खेलों के मुकाबले में किया जाता है. इसकी तारीख सदियों पुरानी है. सदियों यानी बहुत 100 साल पुरानी है. ये सिर्फ खेल ही नहीं है बल्कि माशरती और सकाफती नुमाइंदगी भी करते हैं. माशरती के किस जगह से आप आए हैं और सकाफती के आप लोगों की सकाफत क्या है, यानी दूर दूर से आए हुए लोगों के मिल बैठने और एक दूसरे से वाकफियत का ज़रिया भी हैं. कसीर तादाद में, कसीर बहुत ज़्यादा लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेने और इन्हें देखने आते हैं. बाजार सजते और तजारत व कारोबार किया जाता है. 684 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 684 साल पहले ये खेल सिर्फ 1 दिन खेले जाते थे. फिर ये 3 दिन खेले जाने लगे. 5वीं सदी कबल मसीह में ये 5 दिन होने लगे. 2016 के ओलंपिक्स 5 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को ख़त्म हुए. पहले क्या होता था, पहले 1 दिन खेले जाते थे, फिर 3 दिन हुए, फिर 5 दिन, और अभी जो आखिरी मरतबा ओलंपिक्स का इनेकाद किया गया था वो 20 दिन तक रहा. ये खेलों का एक अजीम मेला है जिसमें शिरकत करना और कामयाबियां हासिल करना दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश होती है. ओलंपिक्स के आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब में अगले ओलंपिक्स के इनेकाद की जगह और मुल्क का ऐलान कर दिया जाता है, यानी अगली दफ़ा कौन से मुल्क में ये मुनक्किद होगा, कौन से मुल्क में ओलंपिक्स का अहतमाम किया जाएगा और ओलंपिक्स का झंडा उस मुल्क के नुमाइंदे के हवाले कर दिया जाता है. गो एक ओलंपिक्स के बाद दूसरे ओलंपिक्स 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं लेकिन इसकी तैयारियाँ भी बहुत पहले शुरू कर दी जाती हैं. इन तैयारियों में बड़े बड़े स्टेडियम्स की तामीर, टीमों और बड़ी तादाद में शायकीन की रहाइश शोताम का बंदोबस्त शामिल है. नहीं, जो टीम्स आई हैं उनके रहने के लिए और उनके खाने पीने का इंतज़ाम और जो देखने के लिए आ रहे हैं उनका और जो इंतज़ामिया है हर एक के खाने पीने और रहने के अहतमाम उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है जहाँ पर वो ओलंपिक्स मुनक्किद होनी होती हैं. ओलंपिक्स खेल एक ऐसा मौका है कि जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी सलाहियतें आजमाते हैं और बेहतरीन कोशिशें करते हैं. ओलंपिक्स के इनेकाद के लिए हर मर्तबा किसी नए मुल्क के का शहर मुंतखब किया जाता है, यानी हमेशा एक ही जगह पर नहीं होती बल्कि अलग अलग जगहों पर मुनक्किद कराई जाती हैं. ओलंपिक्स का झंडा क्योंकि शनाख्त होता है तो हर एक जिस तरह ममालिक के झंडे होते हैं या परचम होते हैं वो उनकी शनाख्त बनते हैं, इसी तरह से ओलंपिक्स की शनाख्त इसका झंडा है. ओलंपिक्स के झंडे का रंग सफ़ेद है जिसके दरमियान 5 दायरे बने हुए हैं. ऊपर की जानिब के 3 दायरे नीले, काले और लाल रंग के हैं जबकि नीचे के 2 दायरे
पीले और हरे रंग के हैं। ये पांचों दायरे पांच बरियाज़म यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। सफ़ा नंबर 63 पेज पे आ जाए। ये पांचों दायरे पांच बरियाज़मों यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। ये झंडा इन खेलों के बानी बैरन डिको बर्टन ने पेश किया था। पहली मर्तबा ये यूनान के शहर अलेक्जेंड्रिया में लहराया गया। हर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान शहर का मेयर ये झंडा आइंदा होने वाले ओलंपिक्स के मेज़बान शहर के मेयर को पेश कर देता है, जहाँ के टाउन हॉल में ये झंडा अगले ओलंपिक्स तक लहराता रहता है। यानी इसका इंतखाब पहले कर लिया जाता है कि अब कहाँ पे इनका इनेकाद किया जाएगा। ओलंपिक मशल। अगरचे ओलंपिक्स की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन ओलंपिक मशल का सफ़र पहली मर्तबा 1928 में एम्स्टरडैम से बर्लिन में ओलंपिक्स मुकाबलों के मौके पर शुरू हुआ। शुरुआत में लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर इसे तेल में तर करके जलाया जाता था। इसके बाद से हर ओलंपिक्स में एक नई मशल डिज़ाइन की जाती है, जो ओलंपिक्स का शोला यूनान में ओलंपिया के मुकाम से इन खेलों के मेज़बान शहर तक ले जाते हैं। ओलंपिक कोल। कोल क्या होता है? कोल किसी की बात को कहा जाता है। तो ये किसका कोल है? ओलंपिक कोल बैरन डिको बर्टन का है, जो इसके बानी है, जो ओलंपिक्स के बानी है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर यानी तेज तर, बुलंद तर, मजबूत तर। ये अल्फाज बैरन डिको बर्टन ने ओलंपिक कोल के तौर पर इस्तेमाल किए। ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मेज़बान मुल्क का एक खिलाड़ी इन अल्फाज में हल्फ उठाता है। हल्फ उठाना होता है वादा लेना। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की तरफ से अहद करता हूँ कि हम ओलंपिक खेलों के तमाम कवानीन को मलहूज रखते हुए मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे और इन खेलों और अपनी टीमों का वक़ार बुलंद रखेंगे। ओलंपिक अकीदा। ओलंपिक खेलों का असल मकसद जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है। इसी तरह जैसे ज़िंदगी का मकसद हमेशा जीतना नहीं बल्कि जहदे मुसलसल है, जहदे मुसलसल में मुसलसल कोशिश करते रहना, हमेशा बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करते रहना है। ज़रूरी और अहम बात फतह हासिल करना नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से मुकाबला है, क्योंकि हमें हर एक बंदा तो नहीं जीत सकता, बल्कि जीत तो कोई एक ही हासिल कर सकता है। तो गेम्स का मतलब या खेलों का मतलब क्या होता है, या इनका मकसद क्या होता है? गेम्स और खेलों का मकसद होता है कि हम मुसलसल कोशिश करें, मेहनत करें, हम दूसरों के साथ मिलजुल के रहना सीखें, हम ये सीखें कि मुकाबला किस तरह से किया जाता है। और अगर हम हार जाएं तो हार जो होती है वो हमारी शिकस्त नहीं होती, बल्कि वो हमें हमारे लिए नया रास्ता फराहम करती है, कामयाबी की तरफ एक कदम होता है हमारा। आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है, इसको पढ़ लेना है, और इसकी मश के जो सवालात आपने कॉपी पे हल होते हैं वो कॉपी पे करने, और जो किताब पर हल होने वाली चीज़ें वो किताब पर करनी है।